कल्याणी की हेमा मालिनी फिलहाल सबके दिलों पर छाई है। बात हो दीप और रणवीर के रिसेप्शन पार्टी की, यानी कि दीपिका रणवीर की रॉयल वेडिंग रिसेप्शन की, बात हो ईशा अंबानी की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी की, या फिर हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए इंटरनेशनल सिंगर एक्टर निक जोनस संग हुई देसी गर्ल प्रियंका की शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी। हर मौके पर शामिल बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा ने जब भी एंट्री की तो उनका एक अलग ही रुतबा देखने को मिला। जैसे ही हेमा अपनी खूबसूरत साड़ी में रॉयल स्टाइल अपनाती हुई शाही एंट्री करती नजर आई तो सभी के सभी वही उन्हीं की तरफ देखते रहे। तो आज भी हम लाए हैं आपके लिए ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के खूबसूरत अंदाज को। वैसे मजेदार बात तो ये है कि ईशा अंबानी के रिसेप्शन में जहां शामिल हेमा की दोनों बेटियां हस्बैंड के साथ थी, साथ में शामिल जहां सनी देओल उनके स्टेप सन थे, वहीं दूसरी तरफ निकियांका की वेडिंग रिसेप्शन में शामिल बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स में बॉबी देओल भी थे हेमा के स्टेपसन, यानी कि अपनी स्टेप मॉम के साथ। भले ही बॉबी यहां पर एंट्री करते नजर ना आए हो, लेकिन ये दोनों माँ बेटे निक और प्रियंका की वेडिंग रिसेप्शन पर शामिल होकर उनकी खुशियों में हाथ बटाते और उन्हें बधाइयां देने पहुंचे। ऐसे में नेक्स्ट नाइन न्यूज के शो को हम लाए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको उनकी खास झलक दिखाएंगे, हेमा की खूबसूरत अंदाज से रूबरू कराएंगे, उनकी साड़ी, उनका चाल, उनके खूबसूरत अंदाज, उनकी सादगी, उनका खूबसूरत चेहरा। 70 साल की उम्र में उनका बेहद ही लाजवाब रूप दिखाते हैं आपको। इसी के साथ रूबरू कराते हैं स्टेपसन और स्टेप मॉम की जोड़ी से, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वेल, इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आप सभी की फेवरेट ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए कैसे हेमा मालिनी ने एंट्री करते ही मचाया बवाल। खूबसूरती से ब्लू रंग की खूबसूरत प्रिंटेड साड़ी में हेमा क्या खूब जची हैं, आप देखकर जरूर करेंगे यकीन कि सच में हेमा का कोई जवाब नहीं। बता दें हम आप सभी को दोस्तों, निक और प्रियंका की वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुई थी ड्रीम गर्ल, जहां उनका बेहद लाजवाब रूप आया है नजर। इसी के साथ देना चाहेंगे हम आपको जानकारी, निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा जोनस ने ग्रैंड रिसेप्शन जब ऑर्गेनाइज किया तो यहाँ बॉलीवुड के तमाम सितारों की भीड़ लगी, लेकिन हेमा की एंट्री बेहद लाजवाब रही। हाथ में ब्लैक पर्स लेकर पहुंची हेमा मालिनी पूरी तरह से सज धज कर फुल तैयार होकर। तो वहीं हेमा मालिनी के साथ साथ नजर इस मौके पर देओल परिवार के बड़े एक्टर में शामिल यानी कि बॉबी देओल भी थे। बॉबी देओल ने भी जमकर सबकी तारीफें लूटी और अपने डैशिंग मैचो मैन अंदाज से सभी को अपना बनाया। बता दें इस साल फिल्म रेस्ट्री के जरिए बॉलीवुड में लंबे टाइम बाद बॉबी देओल ने कमबैक किया, जिनकी डूबती करियर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए सुपरस्टार सलमान खान ने उनका हाथ थामा। ऐसे में सलमान खान को अपनी लाइफ का एंजल बताने वाली बॉबी देओल ने कैसे ना वहां उन्हें प्यार दिया हो, जिस मौके पर सलमान खान भी मौजूद थे। वैसे इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सलमान खान भी इस मौके पर मौजूद रहे। हेमा मालिनी और बॉबी देओल के बीच सीमा साथ साथ में सलमान खान भी रहे। सलमान खान, जिनकी तारीफ में बॉबी देओल ने हमेशा से शब्दों के बांध हमेशा से पुल बांधे हो, वहीं आपको बताना चाहेंगे इस मौके पर सलमान खान भी बेहद जबरदस्त लुक्स के साथ नजर आए। जहां हेमा भी अपनी साड़ी संभालती नजर आई, अपनी साड़ी पर नजरें रखते नजर आई, भले उनके चेहरे पर हंसी आपको दिखाई न दी हो, लेकिन उनकी हंसी की कमी तो रह गई। खैर, दीप और वीर की शादी में शामिल होने वाली हेमा मालिनी निक और प्रियंका को ब्लेसिंग्स देने पहुंची और इस उम्र में उनका अपने हस्बैंड धर्मेंद्र के बिना अकेले भी पहुंच जाना एक बड़ी बात और उनकी तरफ से बड़प्पन कह दिया जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए खास अंदाज।
भाई बताओ काम का। अरे हिलाना मत रे पागल। चलो भाई आगे भाई आगे। ये मोबाइल, ये कैमरा जान के ऊपर मुंह बैठ रहा है। हां अभी देखो अभी नहीं हुआ ना भाई। चलो भाई भाई चलो भाई भाई चलो भाई चलो भाई चलो तू बोलो लो। वेल ये था हमारा शो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को लेकर। अब वक्त आ चला है आपसे यही इजाजत लेने का। लौटेंगे इसी तरह बॉलीवुड टाउन को लेकर ऐसी ही मैरिज से जुड़ी फंक्शंस के साथ, बॉलीवुड टाउन के ग्लैमर इंडस्ट्री को लेकर ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए ऐसे ही कुछ और नई खबरों को लेकर। टिल देन देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और इस चैनल को जल्द से जल्द कर ले सब्सक्राइब। जुड़ रहे बॉलीवुड टाउन के साथ और ऐसी ही खबरों के साथ अपने मन पसंदीदे सितारों की जिंदगी से जुड़े रहने के लिए
आप हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं साथ साथ में हेमा का खूबसूरत रूप, बॉबी देओल का लगाना। क्या लगता है आपको हेमा और बॉबी के बीच क्या सच में अब भी है खटास? क्या सच में हेमा मालिनी अपने स्टेप सन्स का दिल अब तक नहीं जीत पाई है? क्या वाकई में इनके बीच फासलों का सिलसिला बरकरार है? नमस्कार।